हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडियो में आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं आपको फाइव ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जो कि आपके आईफोन को और ज़्यादा सिक्योर बना देगी। एप्पल के जो आईफोन्स हैं ऑलमोस्ट 100% हम सिक्योर मानते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे आईफोन को अनसिक्योर बनाती हैं। सो मैं आपको फाइव ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके आईफोन को और ज़्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश करेंगे। चलो गाइज, बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना है अपनी सेटिंग्स में और फिर जाना है लोकेशन वाली सेटिंग्स में, जैसे कि आप देख सकते हो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। और ये रही हमारी लोकेशन सर्विसेज। इसमें हमको गाइस सबसे पहले ये जो चीज़ है, हमेशा हमेशा अपनी लोकेशन सर्विसेज हर एक एप्लीकेशन को या तो फिर नेवर के ऊपर सेट कर रखो या तो फिर वाइल यूजिंग दैट ऐप। ओके, सो ये जो ऑप्शंस हैं आपको हमेशा वाइल यूजिंग एन एप्लीकेशन के ऊपर रखने हैं। इससे आपके दो फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो कोई एप्लीकेशन आपका ऑलवेज हमेशा जो है बैटरी कंज्यूम नहीं करेगी। जब आप एप्लीकेशन को यूज़ करोगे तो ही वो यूज़ करेगी। और सेकेंडली, आपकी जो एप्लीकेशन है वो लाइव लोकेशन डिटेक्ट करते हुए आपका जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने वाली। इससे आपकी प्राइवेसी का जो है और सिक्योर हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं व्हाट्सएप को लेके चलता हूँ। व्हाट्सएप को मैं ऑलवेज पर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइव लोकेशन शेयर करनी रहती है। लेकिन जब मैंने लाइव लोकेशन शेयर नहीं करनी, तब मैं इसको वाइल यूजिंग दी एप्लीकेशन के ऊपर रखूँगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो आईफोन है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि व्हाट्सएप बैकग्राउंड में क्या कर रहा है हमारी लोकेशन सर्विसेज से, कि ये बंदा कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है। तो ये आपको ज़रूर ज़रूर अपने फ़ोन में ये चीज़ करके रखनी है। अब बात करते हैं ऐप परमिशंस की। और अगला जो गाइस सेकंड नंबर पर प्राइवेसी कंटेंट आ रहा है, वो भी हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में है। वो ये है कि आपको अगर चेक करना है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपका कैमरा, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी लोकेशन डिटेक्ट कर रही है, तो वो आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले सेक्शन में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट्स कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रही हैं। अगर मुझे वो चेक करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाना है और ये एप्लीकेशन की लिस्ट आ जाएगी जो आपकी जो है कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर रही हैं। अगर लोकेशन वाली सर्विसेज में जाना है या फिर कैमरा वाले सेक्शन में, तो कैमरा सेक्शन में जाएंगे तो ये सारी ऐप्स हैं जो हमारा कैमरे को एक्सेस करती हैं। सो अगर आपको इनमें से किसी भी ऐप पर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप इस एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हो। और सेकंड नंबर पर क्या है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन अपने आप से इंस्टॉल नहीं की और वो खुद आपके फ़ोन में आपको दिख रही है कि ये एप्लीकेशन कौन सी है जो मेरा कैमरा एक्सेस कर रही है, अगर आपको वो दिखती है कोई, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। इस सेक्शन से आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये मेरे आईफोन की जो थर्ड पार्टी कोई ऐप आ गई है, आई डोंट नो वो कौन सी है, बिकॉज किसी ने आपका लोकेशन आईफोन ट्रैक करने के लिए कोई एप्लीकेशन डाल रखी हो सकती है। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो थर्ड पॉइंट ये है, आपको जाना है सफारी वाले सेक्शन में, सफारी की प्राइवेसी इन सेटिंग्स में। सो सबसे पहले जाओ आप सफारी ब्राउजर वाले सेक्शन में और फिर जाना है आपको प्राइवेसी वाले सेक्शन में, आपको सफारी में देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो ये हो गई हमारी सफारी की सेटिंग्स ओपन। अब आपको करना क्या है, जस्ट स्वाइप अप करो और यहाँ पर गाइज आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रिवेंट क्रॉस साइट ट्रैकिंग। इस ऑप्शन को हमेशा आपको ऑन रखना है ताकि आपकी सफारी से कोई भी स्कैमिंग ना हो या फिर आपको कोई स्कैम ना हो जाए आपके साथ। हाइड आईपी एड्रेस फ्रॉम ट्रैकर्स के ऊपर क्लिक करके रखो। अगर आपने ऑफ रखा है तो आपको इसको फ्रॉम ट्रैकर्स के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आपका आईफोन और ज़्यादा सिक्योर हो जाए। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको सिंपली करना क्या है, सिरी एंड सर्च वाले सेक्शन पे जाओ जो कि आपको आईफोन में देखने को मिलेगा। सो सीरी एंड सर्च में आपने गाइस कभी कभी ऐसे देखा होगा कि फॉर एग्जांपल, जब आप रोज़ सुबह एक एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो और अगले दिन जब आप उस ऐप को ओपन नहीं करते हो, तो आपको यहाँ पर सीरी सजेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस केस में मेरे यहाँ पर कभी कभी मुझे जीमेल ऐप मैं रोज़ ओपन करता हूँ सुबह सुबह, सो मुझे यहाँ पर ओपन जीमेल ऐप सीरी सजेशन नीचे लिखाता है। सो वो जो चीज़ है वो सीरी हमारे आईफोन की यूजेज को ट्रैक कर रही रहती है, कि एप्पल का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो इम्प्रूव करने के लिए इस चीज़ को ट्रैक करता रहता है कि ये बंदा कौन सी चीज़ें कौन कौन दिन किस किस टाइम यूज़ कर रहा है। सो तो वो भी एक तरह की ट्रैकिंग हो रही है। अगर आप उस चीज़ को बंद करना चाहते हो तो आप इस इन दोनों ऑप्शंस को बंद कर दो, सो शो रीसेंट्स, सो सजेशंस। सो आपकी जो है और थोड़े से प्राइवेसी कंसर्न्स दूर हो जाएंगे। सो आपको जो है इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है जब आप सजेशंस लेना चाहते हो, जब आप नहीं लेना चाहते। अगर आप पूरा सिक्योर रहना चाहते हो तो इस ऑप्शन को ऑफ कर दो।
नेक्स्ट जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं वो हमारे हैं एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स में। सो गाइज, एप्पल जो कभी कभी क्या करता है कि जब हम अपने आईफोन को सेटअप करने जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी से जो ब्लू कलर का कंटिन्यू बटन शो करता है सेटअप स्क्रीन में, उसमें हमें आईफोन सेटअप करने की इतनी जल्दी रहती है कि हम जो है काफ़ी चीज़ों को कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे बाईपास कर देते हैं कि हमें जल्दी जल्दी आईफोन के अंदर जाने दो, अपने होम स्क्रीन पर जाने दो। सो आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में और फिर स्वाइप अप करना है और एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स वाले सेक्शन में जाना है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, आप देखोगे कि आपके केस में ये सारे जो एनालिटिक्स वाले हैं, इम्प्रूवमेंट्स वाले, ये आपके केस में ऑन रहेंगे। एप्पल करता है क्या है कि आपकी यूजेज को अपने डायग्नोसिस के लिए अपने सिस्टम्स पर सेंड करता रहता है। दैट्स वाई आपका जो आईफोन है बैकग्राउंड में बैटरी भी लूज करता है। आपको इस ऑप्शन को, ऊपर वाले ऑप्शन को छोड़कर, ये सारे ऑप्शंस ऑफ कर देने हैं अगर आप अपने आईफोन को और सिक्योर और मोर एफिशिएंट बनाना चाहते हो। सो ये हैं 5 ट्रिक्स जो कि आपकी बैटरी को बहुत एफिशिएंट बनाएंगी और आपके आईफोन को और सिक्योर बनाएंगी। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।